नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ, लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के। नमस्कार, तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में कोरोना का लगातार कहर जारी है, जहां पर पिछले 24 घंटों में मौत का फिर से रिकॉर्ड टूटा है, तो रिकॉर्ड तोड़ 2277 नए कोरोना के पॉजिटिव केस है वो सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है, जहां पर प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौत का रिकॉर्ड भी टूट गया है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक 25 मरीजों की मौत हुई है, जो कि अब तक की एक दिन में सबसे ज़्यादा मौतें हैं। राज्य में अब तक मरने वालों की संख्या कुल 806 पर पहुंच गई है। वहीं इसके साथ ही कोरोना के 2277 नए पॉजिटिव केस भी सामने आए हैं। विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 76,549 नए केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 15,692 केस सक्रिय हैं। इसके साथ ही 255 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई, इनमें से 218 की सांस से ऑक्सीजन के सहारे तो 37 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। प्रदेश में अभी तक भी 60,000 से ज़्यादा लोग कोरोना को हरा कर घर लौट चुके हैं और प्रदेश का रिकवरी रेट 78% पर जा पहुंचा है। अब आपको बताते हैं जिले वाइज हरियाणा के तमाम जिलों का हाल। फरीदाबाद से पिछले 24 घंटों में 276 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। गुरुग्राम से सबसे ज़्यादा 306 अब तक के सबसे सर्वाधिक है। सोनीपत से 76 केस मिले हैं, 14 केस रेवाड़ी से, अम्बाला से 190 केस, रोहतक से 91, पानीपत से 175, करनाल से 240, हिसार से 120, पलवल से 15, पंचकुला से 137, महेंद्रगढ़ से 65, झज्जर से 46, भिवानी से 71, कुरुक्षेत्रा से 230, नूह से 22, सिरसा से 44, यमुनानगर से 70 केस मिले हैं, फतेहाबाद से 48, कैथल से 31, चरखी दादरी से 4। फिलहाल रिकवरी रेट के मामले की बात करें तो फरीदाबाद का रिकवरी रेट अभी भी 90% है। गुरुग्राम का गिरकर 86% पर पहुंचा है। सोनीपत का रिकवरी रेट 82% है। 86% रेवाड़ी का है, 81% अम्बाला का है। इसके बाद 92% पर पलवल का लगातार बरकरार है, 80% झज्जर का है, जबकि 83% नूह का और 59% फतेहाबाद का। सबसे कम जींद जिले का है, जिसका 50% रिकवरी रेट है। वहीं अब सबसे कम एक्टिव केस की बात कर लेते हैं। चरखी दादरी में अभी भी 84 लोगों का इलाज चल रहा है, 128 का इलाज नूह जिले में चल रहा है, 263 का झज्जर में चल रहा है, 111 का इलाज अभी भी पलवल में चल रहा है। सबसे ज़्यादा मरीज 1685 गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में 1126 मरीज है। साथ ही मृतकों की बात करें तो 2 मरीजों की मौत कैथल में हुई है, जबकि एक एक मरीज की मौत है वो फतेहाबाद, यमुनानगर, सिरसा और भिवानी में, जबकि 3 की मौत कुरुक्षेत्र में, 4 की मौत पंचकुला में, 2-2 की जो मौत है फिर वो करनाल, पानीपत, रोहतक और अम्बाला में, जबकि एक एक की मौत है वो हिसार और रेवाड़ी और 2 की मौत फरीदाबाद में हुई है। फिलहाल ठीक होने वालों का जिक्र करते हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 1471 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। 182 लोगों को छुट्टी फरीदाबाद से मिली है। गुरुग्राम से 140 ठीक हुए हैं, 68 सोनीपत से, रेवाड़ी से 56 ठीक हुए हैं, 102 मरीज अम्बाला से, रोहतक से 38, पानीपत से 22 ठीक हुए हैं, 131 लोग करनाल से, हिसार से 44, 31 लोग पलवल से, पंचकुला से 30, महेंद्रगढ़ से 29 लोग ठीक हुए हैं, झज्जर से 32, भिवानी से 46, 29 कुरुक्षेत्र से, नूह से 7, सिरसा से 44, यमुनानगर से सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 203 मरीज ठीक हुए हैं, फतेहाबाद से 23, कैथल से 68, जींद से 40। तो कुल मिलाकर अब तक 60,000 से ज़्यादा लोग कोरोना को मात देकर घर पहुँचे हैं। तो यही फिलहाल वक्त कह रहा है कि अभी भी कोरोना से सावधानियों को बरता जाना चाहिए, जो कि चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंस सबसे बड़ी वैक्सीन है। फिलहाल सीरो का सर्वे यही कहता है कि 7% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना हुआ वो ठीक हो गए, जिनके अंदर एंटीबॉडी बन चुका है। तो आपसे गुजारिश करते हैं, कोरोना के इस संकट के दौर में अपने आप को बचाना सबसे ज़रूरी है। ऐसे में आप अपने परिवार का, मित्रों दोस्तों का ख्याल रखें, उन्हें समझाएं, जागरूक करें, डरे नहीं बल्कि अफवाहों से बचें। हम आपसे ये भी अत्यातन कहना चाहते हैं कि हमारी रिपोर्ट का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको आगाह सचेत करना है। यही है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और कोरोना को हम जल्द से जल्द हराने में कामयाब हो जाएं। बहरहाल पूरे देशों में जब तक जंग वैक्सीन को लेकर बनाने को जारी है, तब तक जंग हमारी भी जारी है कि हम अपने आप को महफूज और सुरक्षित रख सकेंगे। इसे तौर पर आप घर के अंदर सुरक्षित रहिए, बिना वजह भीड़ का हिस्सा ना बने। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हमेशा की तरह अपील,
अगर आपने YouTube पर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर अपडेट हम आपको सबसे पहले दे सकें। आप सब लोगों का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।